हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान से जोधपुर पहुंचा टिड्डी दल, फसलों पर मंडराया खतरा, लोगों ने थाली बजाकर किया उड़ाने का प्रयास। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लगातार सीमा पार कर टिड्डी दल भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। एक के बाद एक कर आ रहे टिड्डी दलों ने किसानों की नींद उड़ा रखी है। शनिवार सुबह टिड्डियों का एक बड़ा समूह जोधपुर पहुंच गया। शहर के सुरसागर क्षेत्र में मंडराती टिड्डियों को लोग कौतूहल से देखते रहे। कुछ लोगों ने इन्हें थाली और पीपे बजाकर उड़ाने का प्रयास भी किया। टिड्डियों के कारण फसलों पर खतरा मंडरा रहा है, इसे किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर पार से टिड्डियों के आने का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 माह से लगातार टिड्डी के दल जिले में घुस रहे हैं। एक दिन पहले ही पाली की ओर से बिलाड़ा क्षेत्र में 4 किलोमीटर लंबा टिड्डी दल पहुंचा था। वहीं लोहावट, फलौदी, ओसिया, सिखाला, बापिनी सहित कई अन्य ब्लॉक के सैकड़ों गांव में अलग अलग दिशाओं से टिड्डियां पहुंची। ओसिया के बाना का बांस चराई क्षेत्र में कपास की फसल चट कर दी। इधर आज सुबह जोधपुर शहरी सीमा में भी एक टिड्डी दल पहुंच गया। हालांकि कुछ दिन पूर्व जोधपुर शहर में टिड्डियों ने हमला बोला था, लेकिन एक दिन में ही वे यहां से उड़कर आगे बढ़ गए। 2-3 दिन से टिड्डियों के कई बड़े समूह ने जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हमला बोल रखा है। शनिवार सुबह काफी कम ऊंचाई पर उड़ रही टिड्डियों को लोग देखने अपने घरों से बाहर निकला है। ये समूह क्षेत्र में बैठा नहीं और आगे बढ़ गया। बता दें कि भारत पाक बॉर्डर से सटे बाड़मेर जिले के सारला, दीपला, सुरजा शरीफ, सिन्हार, सरूपे का ताला, हाथली, जानपालिया, वसीम का ताला, मीठडाव, मिये का ताला, भीलो का ताला सहित कई गांव में इन दिनों बड़ी संख्या में फाका पनप रहा है। कई बार टिड्डी का हमला हो चुका है। तारबंदी के नीचे से पाक की तरफ से फाका दल भारत में घुस रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से फाके को नष्ट करने के लिए कीटनाशक का भी छिड़काव किया जा रहा है। खेतों में फसलों के उगते ही टिड्डी दलों के हमलों ने किसानों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। गत 1 माह से लगातार टिड्डी के दल भारत में घुस रहे हैं। इससे पूर्व रबी की फसलों का नुकसान भी झेल चुके हैं और अब खरीफ फसल पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।